2022 जाने को और 2023 आने को है, यानी कि एक नया साल जो आपके जीवन में नई खुशियां लाएगी, और 2022 कैसा भी वो चला जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए 2022 के टॉप मूवीज को लाया जाए जो हिट हो। सो हियर आई एम विद टॉप 10 बेस्ट एनिमे मूवीज ऑफ 2020। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। जिसमें नंबर 10 पे जो हमारी सबसे पहली मूवी आती है, उस मूवी का नाम है द फर्स्ट स्लम डंक। इस मूवी को ताकेशी को इनोउ के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। ये मूवी स्लम डंक मांगा सीरीज का ही पार्ट है, जिसे आपने एक ना एक बार जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको इसकी मेन कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ। जिसकी स्टोरी होती है कि आनामिची साकुरागी नाम का एक टीनेजर होता है, जो आरुको अकागी जो कि उसके स्कूल की एक गर्ल होती है उसे वो प्यार करता है। वो उसे इम्प्रेस करने के लिए वो बास्केटबॉल ज्वाइन करता है और खेलता है, जबकि वो गर्ल किसी अदर बास्केटबॉल प्लेयर से प्यार करती है। हाउएवर साकुरागी इस गेम को खेलता है और खेलते खेलते वो और भी काफी गेम्स और स्पोर्ट के बारे में जानता है, और फिर उसे मजा आने लगता है। फिर वो कैसे उसे इम्प्रेस करता है ये सब आप इस एनिमी सीरीज को देखकर पता लगा सकते हो। बट यहाँ हम एनिमी सीरीज की नहीं बल्कि एनिमी मूवीज की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको स्पोर्ट में रुचि है तो आपको सीरीज और एनिमी दोनों ही देखना चाहिए, वरना आप एनिमी मूवीज को भी देख सकते हो। इसके एनिमी सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, और इसकी मूवी अभी हाल ही में 3 दिसंबर 2022 को जापान में रिलीज किया गया है, और शायद थोड़ी देर में क्रंची रोल पर ये एयर हो जाएगा, तो आप इसे देख सकते हो। नंबर 9 पे जो हमारी अगली मूवी आती है उसका नाम है द ऑड टैक्सी इन द वुड्स। इस मूवी को बाकू किनो सीता के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। इसकी कहानी को एक एंथ्रोपोमॉर्फिक एनिमल पर सेट की गई है, जिसमे की वल्रस यानी समुद्री सील की तरह दिखने वाले ओडोकावा नाम के टैक्सी ड्राइवर की कहानी बताई गई है, जिसमे की वो ड्राइविंग के दौरान अपने कस्टमर से काफी सारे बातें करता है, और जिसमे उसे बहुत सारे मिस्टीरियस और बुरे काम को जानने को मिलते हैं जो कि टोक्यो में हो रहे होते हैं। जिसमें बाद में एक स्कूल गर्ल भी इंक्लूड होती है, जो कि एक स्ट्रेंज तरीके से पता नहीं कहां गायब हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी मुसीबत में पड़ जाता है और काफी सारे पुलिस उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। अब कैसे वो उस लड़की को ढूंढता है और टोक्यो में मिस्ट्री को सॉल्व करता है, वो आप इसकी एनिमी सीरीज को देखकर पता लगा सकते हो। इसकी एनिमी सीरीज को 2021 में बना दिया गया था। अगर आप चाहे तो क्रंची रोल पर इसके सारे एपिसोड को एंजॉय कर सकते हो, बट अगर आप इसके मूवीज को देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। ये मूवी इस एनिमी सीरीज का एक सीक्वल पार्ट है। नंबर 8 पे जो हमारी मूवी आती है उस मूवी का नाम है द बबल। इस मूवी को तेसुरो अराकी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, और अगर इसकी मेन कॉन्सेप्ट की बात करें तो अचानक से टोक्यो में बबल की बारिश होनी शुरू होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रेविटी काम करना बंद कर देता है और सब लोग हवा में उड़ने लगते हैं। वहाँ पर बबल की इतनी ज्यादा भारी मात्रा में बारिश होती है कि सारा टोक्यो पानी में बदल जाता है, और वह सिटी वहाँ की यंग बच्चों का एक बैटल फील्ड बन जाता है, और जिनके पेरेंट्स उस घटना के बाद लॉस्ट हो जाते हैं। इस मूवी में हिबिकी नाम का एक लड़का होता है, जिसे कि वहाँ की एक टावर से आवाज सुनाई देती है जो बबल के गिरने के बाद तुरंत बनी थी। कैसे उस आवाज को ढूंढता है और कैसे हिबिकी और उसके सारे दोस्त इस मुसीबत से बाहर आते हैं, आप इस मूवी को देखकर पता लगा सकते हो। एक रोमांस और एडवेंचर्स प्लस एक्शन के लिए ये एक बेस्ट मूवीज में कहूंगा, तो अगर आप चाहे तो इसे देख सकते हो। ये मूवी 13 मई 2012 को जापान में रिलीज हो गई थी, और आपको इंग्लिश डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7 पे जो हमारी मूवी आती है उसका नाम है फ्रूट बास्केट प्रीलोड। इस मूवी को ओसी हिदे इबादा के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। इसकी मेन स्टोरी होत्रो होंडा नाम के एक ऑर्फन गर्ल के ऊपर बेस्ड होती है, जो कि जब वहाँ के 3 मेंबर योकी क्यो और सिंगुरु सोमा के साथ मिलती है, तब उसे जानने को मिलता है कि सोमा फैमिली के 13 मेंबर एक खतरनाक एनिमल से पजेस्ट हो गए हैं, जो कि चाइनीज जोडियक से बिलोंग करते हैं, और उन एनिमल की वजह से वो लोग श्रापित हो चुके हैं। और जब कभी भी वो लोग वीक स्ट्रेस या फिर किसी भी भारी भरकम इमोशन में होते हैं, तब वो लोग अपने एनिमल फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि काफी खतरनाक हो जाता है। तो कैसे ये और इसके सभी दोस्त इससे निपटते हैं और कॉस्ट को बाहर निकालते हैं, ये सब आप इसके एनिमी सीरीज को देखकर पता लगा सकते हो। जी हाँ, फिर से ये मूवी भी इसी एनिमी सीरीज का पार्ट है। अगर आप चाहे तो मूवी देख सकते हो, आपको ये एनिमी नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फुल एंटरटेन हो जाओगे। आप ये मूवी क्रंची रोल पर आराम से देख सकते हो, काफी अच्छी है। नंबर 6 पे जो हमारी अगली मूवी आती है उसका नाम है दैट टाइम आई गॉट री इनकार्नेटेड एज स्लिम द मूवी स्कारलेट बॉन्ड। इस मूवी को यासुहितो किकुची के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। इसकी मेन कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें एक सैलरी मैन की कहानी को बताया गया है, जिसकी किसी तरह से हत्या करके उसे एक स्वॉर्ड में भेज दिया जाता है, और सॉर्सरी की दुनिया के जो स्लिम के रूप में लोग होते हैं वो बहुत सारे एलाइसेस को इकट्ठा करके अपना एक अलग ही मॉन्स्टर की दुनिया बनाते हैं। तो कैसे स्लिम अपनी पूरी दुनिया को मेंटेन करता है और कैसे कहानी में आगे बिल्डअप होती है, इसको मूवी को देखकर आप पता लगा सकते हो। इसकी भी 2018 में एक एनिमी सीरीज बनाई गई है, और ये मूवी भी उसका एक सीक्वल पार्ट है। अगर आप चाहे तो इसके एनिमी सीरीज को भी आप देख सकते हो। इसकी एनिमी सीरीज नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिल जाएगी, और इसकी मूवी अभी 25 नवंबर 2022 को जापान में रिलीज हुआ है, तो हो सकता है कि आपको क्रंची रोल पर आपको ये देखने को मिल जाए, वरना आप चाहे तो इसे कहीं और से डाउनलोड कर सकते हो। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, मूवी काफी अच्छी है, आप जरूर देखना। नंबर 5 पर अगली जो हमारी मूवी आती है उसका नाम है डिटेक्टिव कैनन द ब्रिज ऑफ हेलोवीन। इस मूवी को सुसुमु मित्सुनाका के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। इसकी कॉन्सेप्ट की बात करें तो शायद मुझे आपको इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी एनिमी सीरीज को आपने एक ना एक बार जरूर देखा होगा, और ये इसी का एक सीक्वल पार्ट है। बट अगर मूवी की मेन कॉन्सेप्ट की बात करें तो सुबोया टोक्यो में हमें हेलोवीन मौसम दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे वेडिंग हॉल होते हुए दिखाया जाता है। सुबोया हिकारी में सोतो अपनी वेडिंग ड्रेस में आई हुई होती है, और कैनन और बाकी सारे गेस्ट को इन्वाइट किया गया होता है। सभी लोग इस वेडिंग को एंजॉय कर रहे होते हैं कि पास में बैठा एक पर्सन ब्लास्ट हो जाता है, और जिसमें की तागेकी जो की सोतो को प्रोटेक्ट कर रहा होता है वो इसमें काफी इंजर्ड हो जाता है। और इसके बाद स्टोरी में क्या होता है आप
इसे देखकर इसका पता लगा सकते हैं। डिटेक्टिव कैनन एनमी को आप जानते ही होंगे, जो कि खुद एक पॉपुलर एनमी रही है और इसी एनमी सीरीज का मूवी एक सीक्वल पार्ट है। तो 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb के रेटिंग के साथ ये मौजूद है, आप इसे एंजॉय कर सकते हो। ये भी मूवी आपको क्रंची रोल पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 पे जो हमारी अगली मूवी आती है उस मूवी का नाम है सुजमे नो तुजी मारी। इस मूवी को लीजेंडरी राइटर माकोटो सिंकाई के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, जिसने योर नेम, वेदरिंग विद यू जैसे मास्टरपीस मूवी को डायरेक्ट किया है। इसकी मेन कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें इसमें 17th ईयर ओल्ड गर्ल जिसका नाम सुजमे होता है की कहानी बताई जाती है, जो की मिस्टीरियस जूर को एक माउंटेन के ऊपर पाती है और फिर ऐसे ही और भी डोर जापान के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है। और जब वो डोर को खोलती है तब उसे एक बहुत ही भयानक डिजास्टर और डिस्ट्रक्शन उस डोर के अंदर देखने को मिलती है। अब क्या सुजमे इस डोर को बंद करती है या नहीं और कैसे वो इन सब चीजों से डील करती है, आप इस मूवी को देखकर इसका पता लगा सकते हो। ये एक एडवेंचर प्लस रोमांस थोड़ा देखने को आपको इसमें मिल जाएगा। ये मूवी अभी हाल ही में 11 नवंबर 2022 को जापान में रिलीज की गई है, तो आपको कुछ दिनों बाद क्रंची रोल पर देखने को मिल जाएगा, या फिर थोड़ा वेट कीजिए, इंग्लिश डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। नंबर 3 पर जो हमारी अगली मूवी आती है उसका नाम है वन पीस फिल्म रेड। इस मूवी को गोरो तानीगुची के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। ये मूवी भी वन पीस एनमी सीरीज का एक सीक्वल है और वन पीस एनमी को कोई शायद ही ऐसा होगा जिसने नहीं देखा होगा। अगर मूवी की मेन कॉन्सेप्ट की बात करें तो मूवी की स्टोरी एक आइलैंड ऑफ म्यूजिक पर सेट की गई होती है, जिसका नाम इलेगिया रखा गया है, जहां उटा जो कि दुनिया की सबसे महान डीवा मानी जाती है, यानी कि एक ग्रेटेस्ट फीमेल सिंगर, यहां पर वो अपनी पहली लाइव कॉन्सर्ट को करने वाली है और अपने आप को पब्लिक भी करने वाली है। द स्ट्रॉ हैट्स, पायरेट्स, मरीन्स और बहुत सारे फैंस उसके वॉइस को सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं, जिसको की एक म्यूजिक का गॉड यानी की स्पिरिट माना जाता है। हाउएवर जब इवेंट शुरू होता है तभी सभी को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उटा असल में सैंग की डॉटर है, और फिर आगे क्या होता है इस मूवी को आप देखकर पता लगा सकते हो। ये मूवी को आप क्रंची रोल पर देख सकते हो, और अगर ये अभी भी नहीं शो हो रहा है तो वेट करो, शायद क्रंची रोल इसका राइट लेगा और जल्दी शायद हमें ये देखने को भी मिल जाए। इस मूवी को 7th अक्टूबर 2022 को PVR पिक्चर के द्वारा वैसे तो इंडिया में रिलीज करी जा चुकी है, तो अगर आपने देखी है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो क्रंची रोल पर आपको ये देखने को मिल जाएगा और आप इसे वहाँ एंजॉय कर सकते हो। नंबर 2 पे जो हमारी अगली मूवी आती है उसका नाम है ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो। इस मूवी को तेत्सुरो कोडोमा के द्वारा डायरेक्ट किया गया है और इसकी एनमी सीरीज के बारे में मुझे तो नहीं लगता कि किसी को बताने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा बच्चा भी इसके बारे में जानता होगा। इसकी मूवी स्टोरी की बात करें तो रेड रिबन आर्मी एक बार पहले ही सन गोकू के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया होता है, और एक अकेला बंदा जो स्पिरिट को ले जाता है और जाकर अल्टीमेट एंड्रॉइड को बनाता है, जिसमें से गामा 1 और गामा 2 होते हैं जो अपने आप को सुपर हीरोज बुलाते हैं और पिकोलो और गोहान पर जाकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है इस मूवी को देखकर आप पता लगा सकते हो। इस मूवी को 26 अगस्त 2022 को हिंदी डबिंग के साथ इंडिया में रिलीज करी जा चुकी है, तो हो सकता है कि आप लोग में से ज्यादातर लोग इस मूवी को देख भी चुके होंगे, लेकिन अगर स्टिल आप लोग में से कुछ लोग इस मूवी को नहीं देखे हो तो इसे क्रंची रोल पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, या फिर सोनी पिक्चर इंडिया ने इसकी हिंदी डब मूवी ट्रेलर लॉन्च किया हुआ है तो आप इसका हिंदी डबिंग कहीं से डाउनलोड कर सकते हो। आप समझ रहे हो ना मैं कैसे डाउनलोड करने की बात कर रहा हूँ, वेल अगर नहीं तो आप क्रंची रोल पर जाकर देख सकते हो। नंबर 1 पर जो हमारी मूवी आती है उसका नाम है जुजुत्सु कायसन जीरो। इस मूवी को संगू पार्क द्वारा डायरेक्ट किया गया है। इसके ओरिजिनल मांगा राइटर केगे अकुतामी है, जो कि एक जापानीज मांगा राइटर है। ये मूवी भी जुजुत्सु कायसन के एनमी सीरीज का एक प्रीसिक्वल मांगा सीरीज है, जिसपे की स्टोरी बताई गई है। इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसकी स्टोरी यूटा और उसके एक चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड रिका ओरिमोटो के ऊपर चलती है, जिसमें यूटा जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है लेकिन उसके चाइल्डहुड फ्रेंड की बचपन में मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो मरने की बजाय एक श्रापित स्पिरिट में बदल जाती है जो कि हमेशा यूटा के पास रहती है। यूटा जुजुत्सु कायसन स्कूल को ज्वाइन करता है और एक सॉर्सरर बनता है। वो अपने पावर और कर्स को कंट्रोल करना सीखता है और फिर कैसे अपनी गर्लफ्रेंड रिका को कर्स से आजाद करता है और उसे किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये सब आप इस मूवी को देखकर पता लगा सकते हो। मैंने इनमें से सारे मूवीज को तो नहीं लेकिन ज्यादातर मूवीज को देख चुका हूँ, तो हाँ मेरे हिसाब से आपको बबल, ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो, डिटेक्टिव कैनन, सुजमे एंड जुजुत्सु जरूर देखना चाहिए। ये सब काफी अच्छी फिल्में हैं। अच्छी तो सारी हैं, बट इसमें से मुझे जो सबसे बेस्ट लगी जो मेरी नजरिए से है वो आपको बताया है। तो ये थी 2022 की 10 बेस्ट मूवीज। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने इनमें से कितनी मूवीज देखी है, और देखी है तो फीडबैक भी जरूर देना ताकि और लोग इसे देखने के लिए समझ पाए। आगे मैं टॉप 10 बेस्ट एनिमी सीरीज ऑफ 2022 को लाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड विद एनिमेशन वंडर। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर ऑन कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। गुड बाय, टेक केयर।